Welcome. Miscellaneous Questions. IBPS PO PRE-07-10-2017 में Miscellaneous Questions के जो sets आए, different sets में, मैंने total 12 questions को solve करने का फैसला किया शुरू में, जिसमें 2 episodes बनाए जा चुके हैं, और ये 3rd episode है, इसमें कुल 4 questions पर हम लोग बात करेंगे. पहले 2 questions मैंने लिखा है, फिर 2 questions लिखूंगा. देखिए एक बात समझिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर के होते हैं, चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. आप बार बार कमेंट करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं कि मेरे सॉल्व कर देने से कुछ नहीं होगा. सिर्फ सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो मत देखिए, बहुत जगह मिलेगा, कहीं भी देख लीजिए. हाउ टू सॉल्व, कैपेसिटी डेवलप कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो एग्जामिनेशन में आप सॉल्व कर पाए. ये सोच करके आपको देखना है, और इसीलिए आप देखते होंगे सॉल्व करना होगा तो क्या है, वो 10 से लेकर 20 सेकंड्स का काम है किसी क्वेश्चन का. लेकिन मैं 10 मिनट्स तक एक्सप्लेन करता रहता हूं. क्यों? एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा वीडियो देखते हैं, ना कि सॉल्यूशन के लिए. इसीलिए मैं खूब बोलता हूं, खूब समझाता हूं, ताकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए. आइए देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का. बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एकदम छोटा है, शार्प है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट का डिमांड करता है. ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 6:8:9. ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ. अगर ए ने 6 रुपीज तो बी ने 8 रुपीज तो सी ने 9 रुपीज, लाइक दैट. इफ बी इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112.5% ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट, बट ए एंड सी इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, इफ प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन 16,750 रुपया, जानबूझ के नहीं लिखा गया है, यूनिट जो भी हो, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ट. कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इफ अदर कंडीशंस आर द सेम. प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. अगर इंटरवल सेम नहीं है तो इंटरवल को सेम बनाते हैं. प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइमिंग का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है. तो ए बी सी ने, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इन्वेस्ट किया ए ने, बी ने और सी ने, वो 6:8:9 इस रेशियो में किया. ठीक है, थोड़ा और दूर लिखता हूं ताकि कुछ करने के लिए रहे. ठीक है, थोड़ा और दूर लिखता हूं. ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम क्या है, सब कुछ है इस क्वेश्चन में. इफ बी इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112.5% ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट, बी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, एट यूनिट्स, उसका 112.5%. किसी को भी देखने समझने में लगेगा क्या कह दिया, कुछ नहीं कहा ना, 100% मतलब वो खुद 12.5% का मतलब क्या होता है, 25% means 1/4, तो 12.5% means 1/8, 100% मतलब 1, and 12.5% 1/8, 9/8 times, यानी कि इसका जो पीरियड है वो ये 8 है ना, 8,
इसका 9/8 टाइम्स, इसका 9/8 टाइम्स, ये पीरियड है, कैपिटल इनटू पीरियड, यही तो चाहिए। इसके बाद ए एंड सी इन्वेस्टेड फॉर वन ईयर, दैट मींस 12 मंथ्स, दैट मींस 12 मंथ्स, दैट मींस 12 मंथ्स, समझ गए, ये इनका वैल्यू हुआ, इनका वैल्यू हुआ। इफ प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ इज गिवन, तो आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से करें, 4 से करते हैं, और देखिए 9 भी हर जगह है, 9 भी है यहां, 9 भी है, और ये 3 और 3 9 भी है, रेशियो है 2:2, 2:3, इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, होगा, होगा। अब क्या दिया है, प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ ईयर इज गिवन, बी का मतलब ये प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है, 16750। तो फिर बताना है व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, ये क्या है, ये बताना है। 2 का 3, 2 means this, 1 means what, 3 means what, 2 means this, क्यों करें, 2 है तो 1 क्या होगा, कैंसिल करें, 3 क्या होगा, नहीं, इधर से 50% more, इधर से 50% more, 16,000 और उसका 50%, 8,000, 24,000, बोले कि नहीं बोले, बोलिए, देखिए पहले 16,750, तो 16,000 का हाफ 8,000 और 750 का हाफ 375, क्यों ना बोले, ये हुआ 25,000, देखिए 125, दिस इज द आंसर, ये किसका हुआ, 25,125, दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है, बोलिए, देख लीजिए, समझ में आया, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आई, ए बोट, बोट एंड स्ट्रीम का है, सुंदर सा क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा लिखना शुरू किया है चीजों को, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि एक्सप्लेन भी करूं, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी करूं और लिख भी दूं, ताकि हर तरह के स्टूडेंट जो जुड़े हैं, देख रहे हैं, उन्हें फायदा हो। ए बोट कवर्स 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, द स्पीड ऑफ करंट इज 33 1/3% ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, इन व्हाट टाइम विल इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बिना पेन पेपर के बनाया जाए, स्टिल वाटर में जो स्पीड होता है, मान लीजिए यू, करंट का जो स्पीड हुआ वी, तो डाउन धारा की दिशा में जो स्पीड हुआ यू प्लस वी, 10 और 3 है तो 10+3, और अप में 10-3, आपका 10 है और करंट का 3 है तो 7 से बहेंगे आप में, दैट इज वाई डाउन में स्पीड को एक्स बोलते हैं, यू प्लस वी, 10+3, 13, लाइक दैट, यहां नहीं है 10+3, मैं अपनी अपने मन से बोल रहा हूं, 10-3, 7 अगेंस्ट द करंट, सीधा सीधा क्यों देंगे, सीधा सीधा दिया कि डाउन में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होता है 3 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना हुआ, 6 किलोमीटर, सो डाउन का स्पीड हुआ 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स डाउन यू प्लस वी 6 किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड क्या है 33 1/3% ऑफ दिस 6, 33 1/3% क्या होता है 1/3 6 का क्या हुआ 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए, करंट का स्पीड 2 है और करंट और बोट दोनों मिला के 6 है, तो बोट का यानी स्टिल वाटर में स्पीड 4 हुआ कि नहीं, 4+2 ना 6 होगा,
तो आपका स्टिल वाटर में स्पीड हुआ 4 किलोमीटर पर आवर. अगेंस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, आपका 4 है, 2 करंट का है, तो माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 2 2. 2 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे अगेंस्ट धारा के विरुद्ध, तो 100 किलोमीटर जाने में 50 आवर्स लगा कि नहीं? आंसर लगा कि नहीं, 50 आवर्स. लेकिन थोड़ा रुकी, ये जो x1 है डाउन स्ट्रीम में स्पीड, ये क्या है? 18 किलोमीटर. मैं उनके लिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छी खासी दिक्कत हो रही है और वो सुदूर गांव में रहते हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा लिखना शुरू किया है. 6 किलोमीटर पर आओ. वी क्या है? वी का मतलब करंट का स्पीड. वो क्या है? 33 1/3%. ये जो 33 1/3% है ना, इसका मतलब होता है 1/3. 1/3 ऑफ 6, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर. ये V. देखिए V है और ये 6 है, तो U क्या हुआ? U माने समझ रहे, 6 से जा रहे हैं, U प्लस V ऐड करके 6. अब V है 2, तो 4 हुआ कि नहीं? 6 माइनस 2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर. और Y क्या होगा? Y अगेंस्ट में जाइएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर. होगा कि नहीं? वाई धारा के विरुद्ध. आपको टाइम क्या लगेगा? टाइम अगेंस्ट द करंट जाने में, तो 100 किलोमीटर जाने में 2 किलोमीटर पर आवर से 50 आवर्स लगेंगे. आंसर यानी ए इज द आंसर. बोलिए ये समझ में आया या नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस से है थर्ड नंबर. देखिए द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6. इफ 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस. कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस. प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. ये मूल बात है, कितने में खरीदा कितने में बेचा. कुल मिला के चैप्टर भी यही तो होता है, खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस, सेल किया कितने में, सेलिंग प्राइस. तो देखिए किस किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड देखिए ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस. मेरा तो ये मन करता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो 5:6 है. 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 6 सेलिंग प्राइस है. 1 मोर है 5 में, 1 मोर है माने 20% मोर है, 120% है. मेरा तो मन करता है कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूं और सेलिंग प्राइस को 120. मार्क प्राइस यहां कहीं होगा और इस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो मार्क प्राइस बताइए, मार्क प्राइस बताइए. अगर 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 एक तो आप ऐसे बोलिएगा 100/80, एक तरीका, इसको काट दीजिए 150, यानी कि 100 में खरीदा और मार्क प्राइस उससे हो 50% मोर है. आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस जो है वो कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये 50% ज्यादा है. आंसर ये फर्स्ट मेथड हुआ. बोलिए ये समझ में आया या नहीं? ये फर्स्ट मेथड हुआ. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे बनाएं. सेकंड मेथड, वैसे ही रहने दीजिए. दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज मार्क प्राइस. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5:6 और 20% डिस्काउंट देने का मतलब हुआ कि यदि ये 100 है तो 20% डिस्काउंट दिया तो 80 हुआ.
यानी उधर से 5:4 यानी इधर से 4:5। इसको एक स्केल पर ले आइए, इसे इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, क्या हो गया, एक स्केल पर रेशियो सिस्टम में 10, 12, 15। 10 में खरीदा, 12 में सेल किया, 15 लिखा हुआ था, क्या ये इससे 50% ज्यादा नहीं है? यानी कि आंसर इज बी, बी आंसर, बी 50% आंसर। बोलिए ये समझ में आया है नहीं? ठीक है, और भी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन चलिए 2 से मैंने किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। रमेश हैज 20% सेविंग्स with him from his monthly salary. If expenditure on clothing is 25% of overall expenditure and his total expenditure except clothing is 3600, then find his saving. बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। मैं ठीक से एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में अब वो लोग ज्यादा आ रहे हैं जो एकदम सुदूर गांव में रहते हैं, जिन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा स्लो कीजिए। स्लो तो मैं नहीं करूंगा, एक्सप्लेन भले ज्यादा करूंगा, लिख भले दूंगा। ये है इनकम, इनकम, इनकम हमने मान लिया 100 है। तो रमेश का सेविंग क्या है? बचत 20%। तो जो सेविंग हुआ वो क्या हुआ? 20% माने 20, इधर से 20%, समझ लीजिए ऐसे, इसका 20%। हम लोग जानते हैं कि ठीक है ये हमने निकाला इसका 20%, तो इनकम इज इक्वल टू सेविंग, अब बाकी जो है वो एक्सपेंडिचर है, तो बाकी कितना है? 80। क्वेश्चन कहता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था खर्च, उसका 25% क्लॉथिंग उसमें खर्च हो गया, यानी ये एक्सपेंडिचर का टू पार्ट है, एक्सपेंडिचर का टू पार्ट है, टू पार्ट है। एक है कि 25% यानी कि 1/4, यानी कि 1/4, 1/4 का माने क्या हुआ? 20, ये क्लॉथिंग पर खर्च हुआ, क्लॉथिंग। और अदर एक्सपेंडिचर क्या है? रेस्ट 60, और 60 इज इक्विवेलेंट टू 3600 दिया हुआ है, अदर एक्सपेंडिचर 3600 है, तो ये कितना टाइम्स है? ये 60 टाइम्स है। तो पूछा है देन फाइंड इज सेविंग, सेविंग ये था ना, 20 का माने क्या, क्या इनटू 60, 1200 रुपीज आंसर। बोलिए होगा कि नहीं? 1200 इज द आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस के इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अब एग्जामिनेशन में आप अपने कॉन्सेप्ट को आजमाएंगे, क्वेश्चन जरूर बनेगा। ऑल द बेस्ट।